नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल, नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से दिया इस्तीफा। सीएम नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश को एक सूत्र में बांधा। मन की बात में बोले पीएम मोदी। आज मन की बात का 109वां एपिसोड। जागरण के दौरान कालकाजी मंदिर में गिरा स्टेज, एक महिला की मौत, 17 लोग घायल। जागरण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। अबोहर में ब्लॉगर भाना सिद्धू पर एक और केस दर्ज। ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। ब्लॉगर भाना सिद्धू की बड़ी मुश्किलें। और अब समाचार विस्तार से। बिहार की राजनीति में आज बड़ा फेरबदल हो गया है। कई दिनों से गरमाई सियासत के चलते नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से आज इस्तीफा दे दिया है। रविवार को हुई पटना में जेडीयू के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को किसी भी फैसले के लिए पार्टी के विधायकों ने अधिकृत किया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफे संबंधित ये फैसला किया। नीतीश कुमार ने पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद राजभवन जाकर अपना इस्तीफा गवर्नर को दिया। महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा देने के बाद से बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से करीब 2 साल के बाद अपने पुराने घर यानी एनडीए में जा रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार में अगस्त 2022 में सीएम पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपने के बाद आज ही शाम को एक बार फिर से बिहार के सीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन इस बार वो एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में आज पहली बार अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात कार्यक्रम में संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज मन की बात के 109वें एपिसोड पर देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अपने अनुभव शेयर किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रिपब्लिक डे पर हुए महिला शक्ति के प्रदर्शन पर भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि महिलाओं का जलवा न सिर्फ गणतंत्र दिवस पर देखने को मिला, बल्कि हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने जो काम किया है वो सराहनीय है। पीएम ने कहा कि इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र का ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाता है। पीएम ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने दिवाली मनाई। दिल्ली में कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां स्टेज गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में आयोजकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार जागरण में सिंगर बी प्राक पहुंचे हुए थे। उन्होंने देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जब बी प्राक ने मंच पर अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, तभी स्टेज गिर गया। स्टेज गिरने के बाद वहां भगदड़ मच गई। जागरण में बी प्राक को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मंच की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर और पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने और ये हादसा हो गया। कई लोग स्टेज के नीचे भी दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने स्टेज के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। बी प्राक और उसकी टीम को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 2 महिलाओं समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक महिला नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने कहा कि वे अमानवीय और खोखली नक्सली विचारधारा से निराश थे और यहां पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के अधिकारियों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों के अनुसार
तीनों नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि वे जिला पुलिस के नक्सलियों के पुनर्वास अभियान पुना नारकोम से प्रभावित हैं। पुना नारकोम का स्थानीय गोंडी भाषा में अर्थ नई सुबह नई शुरुआत होता है और उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले साल राज्य में 384 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। बता दें कि सुकमा राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 7 जिलों में से एक है। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू के करीबियों पर सख्त एक्शन लिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के दिशा निर्देशों पर सिद्धू के करीबी दोनों बाप बेटे महेश इंदर सिंह, निहाल सिंह वाला और धर्मपाल सिंह को कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि धर्मपाल सिंह को पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया, वहीं महेश इंदर सिंह, निहाल सिंह वाला को पार्टी के प्राथमिक मेंबरशिप से सस्पेंड, पार्टी बदल गए व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट से भी हटा दिया गया है। ये भी जानकारी मिली है कि पंजाब कांग्रेस का ये एक्शन नवजोत सिद्धू की मोगा रैली को लेकर किया गया है। गौरतलब है कि दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियां करने पर हाईकमान ने बाहर का रास्ता दिखाया है। ब्लॉगर भाना सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अबोहर में थाना रोड स्थित एक इमिग्रेशन सेंटर के संचालक को ब्लैकमेल करते हुए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने ब्लॉगर भाना सिद्धू पर एक और पर्चा दर्ज कर दिया है। ब्लॉगर भाना सिद्धू सहित दो अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि कुछ ही दिनों के अंदर भाना सिद्धू पर यह तीसरा केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों को आज एक नई सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के पानीपत जिले में इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की लॉन्चिंग पानीपत और यमुनानगर के जोगाद्री से की जाएगी। इसके बाद यह बस सेवा पंचकुला, अंबाला सहित अन्य 16 शहरों में शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक बस सेवा के पीछे सरकार के उद्देश्य लोगों को राहत पहुंचाना है। इससे न केवल इन शहरों में यात्रियों की सेवा यात्रा सुगम होगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। इस बस सेवा का उद्देश्य शून्य प्रदूषण सुनिश्चित करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देना है। इसराइल हमास के जंग के बीच अमेरिका सहित 6 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी की फंडिंग बंद कर दी है। इसराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए नाम की संस्था के 12 कर्मचारियों पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद एजेंसी ने इन सभी को बर्खास्त कर दिया। इस एजेंसी का गठन 1948 में किया गया था। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली ने यूएनआरडब्ल्यू को फंड नहीं देने का ऐलान किया है। विदेश विभाग ने यूएनआरडब्ल्यूए के लिए अतिरिक्त फंडिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वह इसराइल के आरोपों से स्तब्ध है और यह एजेंसी गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में फिलिस्तीनियों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य मानवीय सहायता प्रदान करता है। यह गाजा के अंदर लगभग 13,000 लोगों को रोजगार देता है। जब से इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में अपना आक्रमण शुरू किया है, यूएनआरडब्ल्यू ने सैकड़ों हजारों विस्थापित नागरिकों को आश्रय देने के लिए गाजा में अपनी सुविधाओं का उपयोग किया है। उनका कहना है कि उसने इसराइल द्वारा दी गई जानकारी की जांच के आदेश दिए हैं। एक्स के मालिक एलन मस्क के सिर से विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज छिन गया है। टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट के बाद मस्क की संपत्ति में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फ्रांस के कारोबारी एवं लग्जरी ब्रांड लुई विटोन के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट की नेटवर्थ 207.6 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। वही एलन मस्क की कुल संपत्ति अब 204.7 बिलियन डॉलर है। बर्नार्ड अर्नॉल्ट एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट की संपत्ति मस्क से 3 बिलियन डॉलर ज्यादा हो चुकी है। 1.5 महीने पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गई लड़की की मौत होने का मामला सामने आया है। लड़की कनाडा में अपने कमरे में मृत पाई गई, जबकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक लड़की के ऑटो ड्राइवर पिता ने सरकार तथा समाज सेवी संस्थाओं से उसकी बेटी की मौत की जांच करवाने और उसका शव कनाडा से लाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार स्थानीय बलबीर बस्ती निवासी गुर प्रताप सिंह की 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी नवनीत कौर की उनके द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को शादी हुई थी। इसके पश्चात वह स्टडी वीजा पर गत 12 दिसंबर को कनाडा चली गई और अब परिवार उसके पति के वहां जाने की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन गत दिवस उनके बेटी की मौत की खबर उनके सामने आ गई, जिसने उनके परिवार को हिलाकर रख दिया। पूरा परिवार इस खबर के आने से विलाप में डूबा हुआ है। इतनी दूर रह रही अकेली बेटी की मौत की खबर ने उन्हें तोड़ के रख दिया है। गुर प्रताप सिंह ने बताया कि
नवनीत द्वारा हर रोज पूरे परिवार से बात की जाती थी, लेकिन दो दिन पहले से फोन पर बात नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने एक जान पहचान वाली लड़की को फोन करके नवनीत का हाल जानने को कहा। और वहां पहुंचकर जब एक अन्य लड़के की सहायता के बावजूद नवनीत ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस द्वारा गेट खोला गया तो नवनीत कौर अपने कमरे में मृत पाई गई। नवनीत कौर नाम सिखा जी 12 दिसंबर चढ़ाई है चावा नाल चढ़ाई कनेडा। लास्ट फोन ने अपनी मम्मा ना की 2 बजे तक, कल तो जेडी पहली रात सी जी, अगले दिन फोन नहीं आया। मैं बठिंडे ऑटो च रहना जी, मेरे घर दे कहंदे आ जाओ, कुड़ी दा फोन नहीं आया, घबरा पई जांदा। मैं घरे आ गया, मैं भी लाया नहीं चक्या, फिर राती लाया नहीं चक्या, सारी रात सवेरे 3 बजे मैनू घर दे उठाया। उत्थे कुड़ी नूं असीं फोन कीता, कहंदी अंकल मैं जानी आ, उह गई है, उहने जाके घर लभ के दरवाजा खड़काया, नहीं जिहड़े उहदे नाल रहिंदे सीगे मुंडा उह लग रहिंदा सीगा, इह दो ही कमरे सीगे, उहनूं विचारे नूं फोन कीता, उह कहंदा कि कोई नहीं देखदे, उहने खड़काया नहीं, फिर उहने पुलिस बुलाई है, कहंदे जिवें सानूं दस्सिया जी, पुलिस ने खोलिया ते अंदर मरी पई है जी। दीनानगर डिवीजन के अधीन आते पुलिस स्टेशन दोरांगला के गांव सेखा स्थित शमशान घाट में सुबह एक युवक का शव मिलने का समाचार मिला है। जानकारी के अनुसार गांव का एक किसान शमशान घाट के पास अपने खेतों में गया तो उसने एक युवक का शव देखा, जिसकी सूचना उसने तुरंत गांव सेखा के सरपंच को दी। सरपंच ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस स्टेशन दोरांगला में दी। एएसआई भूपेंद्र सिंह फौरन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। युवक के जेब में रखे आधार कार्ड की जांच की तो उसकी पहचान 40 वर्षीय कश्मीर मसीह पुत्र बाबा मसीह निवासी कलासपुर थाना धारीवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने संबंध में परिजनों को सूचित कर दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर ले जाया गया है। एएसआई भूपेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि परिजनों के मुताबिक युवक नशे का आदी था और मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वहीं शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मड़िया विच पिंड सेखे एक डेड बॉडी पई है, जो मौके ते आए हैं, मौके ते आके चेक किया वा, ये बंदे की जी शनाख्त हुई है, भी यह बंदा धारीवाल पिंड कलासपुर रहने वाला कश्मीर भी पुत्र बाबा मसीह, ये वारसा नूं बुलाया आन ते फिर वेखोंगे जी कर रहे हैं। कुछ कोई कुछ जख्म होया हो चाहे कोई कारण किस तरह का कोई सामने आया? नहीं, कोई मतलब यह जी कोई चीज़ नहीं, मतलब उन्होंने परिवार तो यह पता लगा भी ये शराब शरूब पीन का जी करती है, घरों 2 महीने हो गए ने चला गया ही, अपने घर के कित रिश्तेदार तो रहा ज़्यादातर। की ना जी यदा कि उम्र? कश्मीर मसीह सन बाबा मसीह वासी कलासपुर, उम्र ये होनी है जी 45-47 साल लगभग। जमीन घोटाले मामले में ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन भेजे जाने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसके चलते जामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोडरमा जिले झुमरी तलैया कला मंदिर से मशाल जुलूस निकाला और जामुमो के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि केंद्र सरकार चुनी हुई हेमंत सरकार को स्थिर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर को हल्की राहत मिली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आने वाला है, जिसमें कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में घनी धुंध और कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।